दोस्तों, मैं आ गया हूं माय हरे मिस एंटायरली फीमेल डीमन रूलर्स के एपिसोड 64 के साथ। चलो बिना ज्यादा देर के स्टार्ट करते हैं। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम हमारे हीरो वु चैन को देखते हैं जो बोलता है, इवन छिपना बंद करो, यहाँ पर बहुत सारे दुश्मन हैं, इसलिए जल्दी से बाहर आओ। एंड उसके बाद दोस्तों हम असली शिया इवन को देखते हैं जो बोलती है, ठीक है, मैंने भी काफी टाइम से अच्छे से लड़ाई नहीं की है, चलो थोड़ा बहुत इनसे लड़ाई कर लेते हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो शिया इवन है वो अपना एक टेक्निक का यूज करती है। एंड उस टेक्निक का यूज करते हुए बोलती है, सभी लोगों का मेरे फैंटेसी लैंड में स्वागत है। एंड दोस्तों हम देखते हैं उसके बाद शिया इवन ने अपनी जिस टेक्निक का यूज किया था ना, उस मैजिक क्रिस्टल बॉल के जरिए, उसमें से बहुत सारी क्या स्पिरिट टाइप चीजें बाहर निकलने लगती हैं। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि दोस्तों जो पूरा आसमान है वो काला हो जाता है। एंड जो वो निंजा है ना, वो सभी देखकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि भाई अचानक आसमान इतना ज्यादा बादलों वाला कैसे होगा, काला कैसे हो गया, आखिर क्या हो रहा है ये सब। सो तभी हम देखते हैं कि उन निंजा के आसपास से ना कुछ ऐसे भूत टाइप के इस क्रिएचर्स बाहर निकलने लगते हैं। तो देखकर वो निंजा काफी ज्यादा डर जाते हैं। एंड उसके बाद वो भूत टाइप के स्पिरिट टाइप क्रिएचर है ना, वो इंसानी शेप धारण करने लगते हैं। एंड उन्हें देखकर जो लोग हैं वो बोलते हैं कि अरे ये तो बदल रहा है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो भूत टाइप क्रिएचर है वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। एंड दोस्तों ये है फ्रेजा, जिसका लेवल बहुत ज्यादा है, ये ना बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। एंड उसे देखकर ये जो निंजा वाले लोग हैं ना वो हैरान होकर बोलते हैं कि क्या एक समन किया गया ऑब्जेक्ट, वो भी लेवल 1000 से ज्यादा का, आखिर ये कैसे पॉसिबल है, इतना हाई लेवल का मॉन्स्टर आखिर एक समनर कैसे हो सकता है यार। सो दूसरा निंजा बोलता है, हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है, आखिर हमारे पास गॉडेस ऑफ क्रिएशन का प्रोटेक्शन है हमारे पास। लेकिन दोस्तों उनका जो प्रोटेक्शन है ना वो धरा का धरा रह जाता है, क्योंकि उस फ्रेजा मॉन्स्टर के सिर्फ पूछ के अटैक से ही वो निंजा सभी के सभी चारों खाने चित हो जाते हैं। बाद हम गुलेंकाई को देखते हैं जो ये देखकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि उसने जो निंजा भेजे थे ना वो सारे के सारे कबाड़ी निंजा मर चुके हैं। एंड उसके बाद तभी अचानक गुलेंकाई को एहसास होता है कि उसके पीछे कोई है। सो उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी निकल रही थी जो भी पर्सन उसके पीछे है। सो उसे देखकर यानी कि सिर्फ उसे महसूस करते ही गुलेंकाई को महसूस होता है कि हमें यहाँ से भाग जाना चाहिए, चले जाना चाहिए। सो जो उसके पीछे पर्सन है वो बोलता है, तुम मेरे रास्ते में खड़े हो, जो सुपरमार्केट की सेल है ना वो थोड़ी देर में खत्म हो जाएगी, इसीलिए मेरे सामने से हट जाओ। एंड उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं कि ये तो वन पंच मैन है जो गुलेंकाई में अपना पंच मारने के लिए बिल्कुल कतई स्पिरिट में आ जाता है। उसे देखकर गुलेंकाई बोलता है कि आखिर ये टकला कहां से आ गया। एंड उसके बाद दोस्तों हमारे वन पंच मैन का जो पंच है वो गुलेंकाई में बहुत ही ज्यादा खतरनाक तेज रफ्तार से घलने वाला होता है। एंड दोस्तों उस पंच की सिर्फ हवा से ही जो गुलेंकाई का पूरा चेहरा है वो तितर बितर हो जाता है। एंड हम इसके बाद देखते हैं कि जो गुलेंकाई है वो वहां से गायब हो जाता है। एंड उस वन पंच मैन के उस पंच से बच जाता है। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि शिया इवन और वु चैन ये सब एक जगह से देख रहे होते हैं। सो वु चैन बोलता है कि हमें उसे यहाँ से भाग देने जाना चाहिए। एंड उसके बाद जो वु चैन है वो बोलता है, तुमने ये जो अवतार समन किया है ये काफी ज्यादा स्ट्रांग है। सो उसकी बात सुनकर शिया इवन बोलती है, जो मेरे अवतार हैं जो मैंने समन किए हैं वो पूरे के पूरे एल्फ क्लैन के चारों ओर फैल चुके हैं, लेकिन अब वो धीरे धीरे कमजोर होते जा रहे हैं। एंड दूसरी तरफ हम लुओली को देखते हैं जो कि ये सब देखकर सोच रही थी कि जो फुल मून डीमनेस के ये इल्यूजन है ना वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, और ये जाहिर भी करते हैं कि द फुल मून डीमनेस इतनी ज्यादा खतरनाक क्यों है। और मुझे लगता है कि द फुल मून डीमनेस में ऐसे इल्यूजन पैदा करने की जो इंस्पिरेशन है ना वो अर्थ पर होने वाले अनाइम्स और गेम्स से आती होगी। अब मुझे समझ में आया कि आखिर ये पूरा दिन गेम्स ही क्यों खेलती रहती है और मंगा क्यों रीड करती रहती है। एंड उसके बाद वु चैन सिल्वी से बोलता है कि सिल्वी, पहले हमें राज्य में मौजूद सारे के सारे कचरे को साफ कर देना चाहिए, लेकिन तुम्हारी जो आइडेंटिटी है ना वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो चुकी है, इसीलिए तुम्हें इस लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए। एंड दूसरी तरफ जो लुओली है वो शिया इवन की ऐसी पावर देखकर सोच रही थी कि क्या मुझे भी एनिमे और मंगा देखने चाहिए अपनी ताकत बढ़ाने के लिए। हाँ, सो वु चैन की ये बात सुनकर कि मुझे लड़ाई में शामिल नहीं होना चाहिए, सिल्वी थोड़ा निराश होते बोलती है। लेकिन तभी वु चैन अपना हाथ सिल्वी के कंधे पर रखकर बोलता है, तुम ज्यादा चिंता मत करो, हम तुम्हारे लोगों का अच्छे से ख्याल रखेंगे, ओके। एंड उसके बाद हम देखते हैं लुओली, वु चैन और शिया इवन तीनों की एक मस्त कजाई जबरदस्त वाली टीम बन चुकी है। एंड जो वु चैन है वो बोलता है, कहीं तुम ये तो नहीं भूल रही हो हाँ कि हम लड़ने में बहुत ज्यादा अच्छे हैं। एंड दूसरी तरफ जो शिया इवन है वो बोलती है, हाँ जो मेरे क्लोन्स है वो भी चारों तरफ फैले हुए हैं, और मुझे उस कबाड़ू इंसान को ढूंढने में ज्यादा वक्त भी नहीं लगने वाला है जो यहाँ से छुपके से भाग गया है। एंड उसके बाद जो लुओली है वो बोलती है, और वैसे भी एल्फ्स को अभी अपना जो राज्य है, रेपुटेशन है और पॉपुलेशन है वो अभी बहुत बढ़ानी है फ्यूचर में, ओके।
इसी वजह से उन सब का निर्देशन करने के लिए एक गॉडेस की जरूरत होगी। सिल्वी, अब तुम फिर से एक एल्फ बन चुकी हो, इसी वजह से तुम्हें अपनी जो रेपुटेशन है वो फिर से पानी होगी। सो उसकी बातें सुनकर जो सिल्वी है वो बोलती है, लेकिन मैं एक डीमनेस बन चुकी थी, क्या मेरी माँ मुझे अभी भी एक्सेप्ट करेंगी? जो रोज़ा है वो सिल्वी की तरफ देख रही होती है एंड उसके बाद जो रोज़ा है वो बोलती है, तुम इस बारे में चिंता मत करो सिस्टर सिल्वी, क्योंकि आप पहले भी तो एक गॉडेस थी ना, इसी वजह से आपको फिर से एक गॉडेस बनने में कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली है। रोज़ा की ये बात सुनकर सिल्वी उसकी तरफ देखकर बोलती है कि रोज़ा, लेकिन अभी भी जो सिल्वी है वो थोड़ा निराश फील कर रही थी एंड उसके बाद जो सिल्वी है वो थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ बोलती है, ठीक है मैं समझ गई, मैं सेरेमनी के लिए तैयार होने के लिए जा रही हूँ अब एंड उसके बाद मैं फिर से इस राज गद्दी पर बैठूंगी एक गॉडेस बनकर। एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है और हमें एक रिसर्च इंस्टीट्यूट दिखाया जाता है जो कि हाँ गुलेंकाई का होता है, जहाँ पर हमें गुलेंकाई की आवाज आ रही होती है कि क्या मैं इतना ज्यादा ताकतवर और शाही योद्धा सिर्फ उस टकले आदमी के एक पंच से मैंने अपने पैंट में सुसु कर ली, आखिर मैं लोगों से नजरें मिलाकर फ्यूचर में बात कैसे करूंगा। हाँ एंड दोस्तों उसके बाद हम गुलेंकाई का कमरा देखते हैं जो कि कतई ना जाने कौन कौन सी चीजों से भरा पड़ा है एंड जो गुलेंकाई है वो फूलों वाली चड्डी पहनकर एक कुर्सी पर बैठा हुआ होता है। वो बोलता है, अब बाहर बहुत ज्यादा शांति हो गई है, मुझे लगता है कोई भी जिंदा नहीं बचा है, अब सब लोग मर चुके हैं मेरे ख्याल से तो। एंड उसके बाद हम गुलेंकाई को देखते हैं जो बोलता है, मुझे लगता है कि मुझे अपना सीक्रेट वेपन का यूज करना ही पड़ेगा। एंड उसके बाद गुलेंकाई अपनी फूलों वाली चड्डी पहनते हुए एक कुछ कारपेट्स खोलता है एंड वो एक चीज को देखकर बोलता है, इतने हजारों सालों से सैकड़ों सालों से मैंने जितने भी पैसे कमाए हैं ना, उनसे मैंने एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक गॉड स्लिंग वेपन बनाया है जो कि बहुत ज्यादा पैसे लगे हैं उसमें। एंड दोस्तों उसके बाद हम एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक बड़ी मशीन को देखते हैं एंड उस मशीन को देखकर ना जो गुलेंकाई है वो हंस रहा होता है कि हा 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 हा। एंड दोस्तों इस मशीन का जो साइज है ना वो बहुत ज्यादा बड़ा है एंड दूसरी तरफ यहाँ पर सीन बदलता है और हमें उसी बैटल फील्ड का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोकू, मेरा मतलब ये एक समन क्रिएचर है जिसे शिया यून ने समन किया है, वो उन सारे के सारे खराब लोगों पर या मॉन्स्टर्स पर या डीमंस पर हमला कर रहा होता है जिसे गुलेंकाई ने बुलाया था। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जितने भी समन क्रिएचर शिया यून ने अपने मैजिक से समन किए थे वो सभी उन खतरनाक और खराब मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। वहां पर बहुत सारे लोग होते हैं, सुपरमैन भी होता है वहां पर। एंड उसके बाद हमें देखने को मिलता है वही हीरो जिसने हमारे वो चैन पर हमला किया था डीमनेस ऑफ मैट्रियार्ची के राज्य में। एंड ये सब देखकर ये जो हीरो है ना वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर ये सब क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर बहुत ज्यादा खतरनाक देवताओं की लड़ाई हो रही है? और तभी अचानक इस हीरो को, मेरा मतलब हीरो सोल्जर को, किसी की आवाज आती है जो बोलता है, अरे तुम सीव हो है ना। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा हीरो लुओली के ड्रैगन फॉर्म पर बैठा हुआ होता है एंड वहीं पर शिया यून भी होती है एंड हमारा जो हीरो है वो चैन वो उस हीरो सोल्जर से बोलता है कि यहाँ पर मत आना। सो उसे देखकर जो हीरो सोल्जर है वो बोलता है कि डाउन स्टार। एंड उसके बाद हम लुओली को देखते हैं जो वो चैन से बोलती है कि हस्बैंड, क्या ये पर्सन? हाँ। सो हमारा हीरो उसे देखकर बोलता है, हाँ यही वो आदमी है जिसने फेंग यांशु के राज्य में पहले बहुत ज्यादा मुसीबत खड़ी कर दी थी और मैंने इस आदमी से इसकी जो होली सॉर्ड है वो भी छीन ली थी। एंड उसके बाद हमारा हीरो बोलता है, वो बस एक मामूली सा कैरेक्टर है जिसने अपना कैरेक्टर भी सही से प्ले नहीं किया, इसी वजह से तुम्हें उस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, उस वो जैसा है उसे उसी की हालत पर छोड़ दो। एंड उसके बाद हमारा हीरो उस हीरो सोल्जर की तरफ देखकर बोलता है, एक बार तुम उसकी तरफ देखो, उसके पास इतनी ताकत नहीं है कि वो मुझसे लड़ने के लिए तक आए। चलो हम यहाँ से चलते हैं क्योंकि हमें जाने के लिए बहुत ज्यादा देर हो रही है और वैसे भी हमें उस ब्रेव रिसर्चर से भी तो लड़ना है। एंड दोस्तों उसके बाद जो वुचैन है वो अपनी दोनों बीवियों के साथ वहां से चला जाता है एंड वो जो हीरो सोल्जर है वो ये सब देख रहा होता है। एंड उसके बाद हम उस हीरो सोल्जर को देखते हैं जो बोलता है अपने उस फ्रेंड से कि मैंने उसे आते हुए भी नहीं देखा, मुझे बिल्कुल एहसास ही नहीं हुआ कि वो कब यहां पर आ गया और कब चला गया और मुझे अपनी होली सॉर्ड की पोजीशन भी अब महसूस नहीं हो रही है, शायद से उस होली सॉर्ड ने मुझे अपना ओनर मानना बंद कर दिया है और अब वो होली सॉर्ड उसकी जायदाद बन चुकी है। एंड उसके बाद हम उसे हीरो सोल्जर के हाथ में एक सॉर्ड देखते हैं। दोस्तों ये है ड्रैगन स्लेइंग सॉर्ड एंड हमें उस हीरो सोल्जर की आवाज़ आ रही होती है कि मैंने हीरोज की आर्मी से कहा कि वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक और ताकतवर वेपन बना कर दें, एक ऐसी सॉर्ड बना कर दें जो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो, लेकिन एंड दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि उस हीरो सोल्जर की आंखों में से और नाक में से आंसू, मेरा मतलब पानी निकल रहा है एंड वो बेचारा रोते हुए बोल रहा है, मेरे पास इतनी भी ताकत नहीं है कि मैं उसकी तरफ अपनी शॉट को पॉइंट तक कर सकूं, वो मुझसे बहुत ज़्यादा ताकतवर है, हम दोनों एक ही ताकत के लेवल पर कभी भी नहीं आ सकते हैं, आखिर मैं उसके जितना ताकतवर कैसे बन सकता हूं? हाँ कैसे। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा जो हीरो है ना वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है एंड जो ये हीरो सोल्जर है वो हमारे हीरो के बारे में ही सोच रहा था।
एंड दोस्तों उसके बाद यहाँ पर सीन बदलता है, हमें एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा हीरो शिया युएन और लू अली पर बैठे हुए होते हैं एंड वो बोलते हैं कि हम मिल गया। एंड उसके बाद हम शिया युएन को देखते हैं जो कि एक जगह पर देखकर बोलती है, मेरा जो इल्यूजन क्लोन है ना उसे इसी एरिया में उस ब्रेव मैन की लोकेशन मिली थी। सो हमारा हीरो ये सब देखकर बोलता है चलो अब हम जमीन पर नीचे उतरते हैं, लेकिन तभी उनके नीचे कुछ आ जाता है एंड जो हमारा हीरो वो बोलता है कि लू अली जरा संभल कर, हो सकता है कि वो आदमी कहीं नीचे हो। एंड दोस्तों वो नीचे से निकल रहा होता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो उसकी मशीन होती है ना वो अपना एक टारगेट सेट कर लेती है एंड उस मशीन के अंदर वो गुलेंकाई जो आदमी है वो बैठा हुआ होता है, वो सोच रहा होता है कि हाँ मैं यहीं पर हूँ तुम्हें मारने के लिए। एंड उसके बाद हम देखते हैं कि उस गुलेंकाई ने अंदर से लू अली पर एक निशाना लगा दिया होता है एंड वो निशाना लगाकर बोलता है ये एक गॉड स्लिंग आर्मर है जो मैंने हजारों सालों के पैसे देकर बनाया है और इससे यहाँ तक कि भगवानों को भी बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा और ड्रैगन और डीमनस तो मुझसे जीत ही नहीं पाएंगे। एंड उसके बाद वो अपने उस गॉड स्लिंग आर्मर के से दो मिसाइल लू अली की तरफ लॉन्च कर देता है एंड जो वो मिसाइल है ना वो बिल्कुल लू अली के पास आ जाते हैं एंड इन्हें देखकर जो वु चैन है वो बोलता है मिसाइल आखिर इस दुनिया में इस तरह की इंसानी चीजें कहां से आ सकती हैं मिसाइल जैसी चीजें। सो उसके बाद हम देखते हैं कि जो वो मिसाइल है ना वो लू अली में लग जाते हैं जिसकी वजह से वहां पर बहुत ज्यादा बड़ा धमाका हो जाता है एंड जो लू अली है वो पूरा का पूरा अपना समंतुलन खो बैठती है इस वजह से और जो वु चैन और शिया युएन है वो नीचे गिरने लगते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि जो लू अली है वो इन मिसाइल के हमले की वजह से फिर से छोटी बच्ची बन गई होती है। हमारा हीरो से पूछता है कि लू अली क्या तुम ठीक हो, उससे लू अली बोलती है कि हाँ मैं ठीक हूँ, लेकिन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो शिया युएन है वो धीरे धीरे नीचे गिर रही होती है। सो हमारा हीरो उसकी तरफ देखता है शिया तुम एंड दोस्तों दूसरी तरफ हम शिया युएन को देखते हैं जो बहुत ज़्यादा हैरान टाइप की थी एंड पीछे से वु चैन की आवाज़ आ रही थी कि शिया युएन तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो शिया युएन, शिया युएन। एंड दोस्तों शिया युएन अपने उस वीडियो गेम की तरफ देख रही थी जिसमें वो हमेशा गेम्स खेला करती थी। दोस्तों उस हमले की वजह से उस वीडियो गेम के टुकड़े टुकड़े हो गए हैं एंड हाँ वो पूरा का पूरा टूट फूट चुका है। सो ये देखकर हमारा हीरो हाँ यही बोलता है एंड उसके बाद हम देखते हैं कि शिया युएन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया है क्योंकि जो उसका वीडियो गेम है वो टूट चुका है एंड ये देखकर कि शिया युएन को गुस्सा आ गया है वु चैन और लू अली दोनों ही बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं एंड जो वु चैन है वो सोचता है कि मुझे लगता है कि अब किसी पर बहुत ही ज़्यादा बड़ी परेशानी आने वाली है। सो दोस्तों तुम्हें भी पता होगा और मुझे भी पता है कि शिया युएन को अपने गेम्स और वीडियो मंगा इन एनिमे से कितना ज़्यादा प्यार है और वो हमेशा दिन भर गेम्स ही खेला करती है और इस गुलेंकाई ने शिया युएन का गेम तोड़ दिया है। तो अब क्या होने वाला है तुम लोग बस इमेजिन कर सकते हो कि भाई आगे के एपिसोड में क्या तूफानी होने वाला है। सो अगर तुम लोग जानना चाहते हो कि आगे के एपिसोड में क्या होने वाला है तो वीडियो को जरूर से एक लाइक कर दो। ओके चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूल जाना। और इस एपिसोड में तुम्हारा फेवरेट पार्ट कौन सा था तुम लोग कमेंट में जरूर बताना प्लीज। और इस वीडियो को अपने फैमिली फ्रेंड्स परिजनों के साथ शेयर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सायोनारा।